नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं जनहिता आवाज। मोन्टाज में ये वीडियो देखा आपने, ये वीडियो है बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्य का। जी हाँ, जो हिंदुत्व की राजनीति करती है और अपने आप को सबसे बड़ी धार्मिक पार्टी कहती है, उसके नेताओं की ये हालत है कि वो मंदिर में घुसकर वहां के पुजारियों के साथ, वहां के सुरक्षा कर्मियों के साथ मारपीट करते हैं। जी हाँ, ये वीडियो मध्य प्रदेश के उज्जैन का बताया जा रहा, जहां पर कालेश्वर मंदिर में बीजेपी के नेता जब घुसे तो उनके साथियों ने किस तरीके से वहां के पुजारियों और कर्मचारियों के साथ मारपीट की, धक्का मुक्की दी। जी हाँ, पूरा मामला क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि बीजेपी किस तरीके से धर्म की राजनीति करती है। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति धर्म के खिलाफ कुछ बोलता है या कुछ कहता है जो तार्किक होता है, उस पर वो राजद्रोह यूएपीए के तहत केस दर्ज कर जेल में भिजवा देती है, यहां तक कि उसकी जान को भी खतरा बनाता है। लेकिन जब बीजेपी के नेता खुद मंदिर में घुसकर पुजारियों का अपमान करते हैं, मंदिर में घुसकर परिसर का अपमान करते हैं, वहां पर मारपीट करते हैं, लड़ाई करते हैं, तब इन लोगों की आंख नहीं खुलती और जो भक्त हैं वो इनके जाल में फंसे रहते हैं। आप समझिए, ये देखिए पूरा वीडियो, इसको विस्तार से देख लीजिए, फिर इस पर बात करेंगे। तो देखा आपने, ये वीडियो है उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का। अनुराग अमिताभ है, उन्होंने ट्वीट किया है, बाबा महाकाल से बड़े भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता तेजस्वी सूर्य पहुंचे थे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर। भारतीय युवा जन मोर्चा के कार्यकर्ताओं के हंगामे का शर्मनाक वीडियो वायरल। सुरक्षा कर्मियों, मंदिर स्टाफ और पुजारियों के साथ बदसुलूकी के बाद बैरिकेड तोड़कर नंदी हॉल में घुसे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी गुंडागर्दी हर जगह चलती है, चाहे वो संसद हो, सड़क हो, मंदिर हो, कहीं भी ये एहतराम नहीं करते और जो इनका नेचर है उसी को ये अपनाते हैं। और अब ये बारी यहां तक आ गई कि ये मंदिर में भी घुसकर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वीडियो से आप देख सकते हैं। और जो अनुराग अमिताभ है उन्होंने ट्वीट कर बताया है। तो ऐसे हालात, एक तरफ यही लोग धार्मिक भावनाएं आहत होने पर लाल सिंह चड्ढा का बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन इनके सांसद, भाजपा युवा मोर्चा के नेता, कार्यकर्ता मंदिर में घुसकर किस तरीके से वहां पर पुजारियों के साथ बदसुलूकी करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और मंदिर का अपमान करते हैं। लेकिन जो इनके भक्त हैं वो इन पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, जिसका नतीजा ये है कि आप देख सकते हैं हालात कैसे हैं। वहीं अगर कोई यहां पर एससी एसटी ओबीसी या माइनॉरिटी होता तो अब तक उसको जेल भेज दिया जाता, अब तक उस पर यूएपीए लगा दिया जाता, लेकिन इन पर नहीं लगेगा क्योंकि ये धर्म के ठेकेदार हैं। और अब ये वीडियो देखिए, लेकिन उससे पहले देखिए, प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि हर भारतवासियों को अपनी डीपी तिरंगे वाली लगानी चाहिए, हर घर तिरंगे का अभियान चला रहे हैं, उनके जो बीजेपी के नेता हैं वो तिरंगे का कारोबार कर रहे हैं, गरीबों को राशन नहीं दे रहे हैं, अगर गरीब 20 रुपए नहीं देगा झंडा लेने के लिए तो उसको राशन नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जो नेता हैं वो 20-20 रुपए में झंडा बेच रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। जो लोग, जो नेता चुनाव के टाइम पे फ्री में दारू बांटते हैं, उनसे 20 रुपए का झंडा भी बांटा जा रहा है ताकि वो हर घर में तिरंगा फहरा सके। ये हालात है उसी भारत में, देखिए क्या हो रहा है। ये देखिए सबसे शर्मनाक तस्वीर है, हितेंद्र ने ट्वीट किया है, भारत सरकार देश में अमृत महोत्सव मनाने की बात कर रही है, हर घर तिरंगा लगाने की बात करती है, पर देश का हाल ये है कि खाट पर गर्भवती महिला को नदी पार कराने का जोखिम उठाकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। क्या इस तरह से मनाया जाएगा आजादी का अमृत महोत्सव? इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की आज स्थिति कैसी है। आज भी जो है गांव में अस्पताल नहीं है जहां पर लोग अपना इलाज करा सके, एक गर्भवती महिला को चारपाई पे लेटाकर नदी पार कराई जा रही है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए कहते हैं प्रसव की जो है पीड़ा वो महिला ही समझ सकती है। और इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार जो अमृत महोत्सव, अमृत काल मनाने का दावा कर रही है,
वहीं दूसरी तरफ ये देश की दूसरी तस्वीर है जहां पर अभी भी लोगों को अस्पताल मुहैया नहीं है। अभी भी लोग अस्पताल में इलाज कराने के लिए नदी पार कर रहे हैं, वो भी खटिया पर डालकर। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये देखिए, दूसरी तरफ मुसलमानों पर हमले रुक नहीं रहे हैं, लगातार उन पर हमले हो रहे हैं। और अब नतीजा ये हुआ कि एक कैब ड्राइवर को मारा, उसकी गाड़ी छीन ली, उसके पैसे छीन लिए और फरार हो गए। देखिए, अशरफ हुसैन ने ट्वीट किया है, मोहम्मद हफीज का आरोप है कि वो उबेर की कार चलाते हैं, चार लोगों ने गाड़ी बुक किया और रास्ते में उन पर हमला कर दिया, जख्मी हालत में उन्हें छोड़ पैसे और गाड़ी छीन कर ले गए। हफीज घर के अकेले कमाने वाले हैं, पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बाराबंकी की ये खबर है, बाराबंकी पुलिस को भी इन्होंने टेक किया है। इनका बयान सुन लीजिए, जिस तरीके से ये इनके साथ जो आप बीती हुई है वो बता रहे हैं, सुन लीजिए। 8 तारीख को रात 11 बजे तो करीब कुछ लोग हमें तीन लोग चार बार में मिले, जो कहा कि हमको बीवी वो राम स्वरूप डिग्री कॉलेज छोड़ दीजिए। तो नहीं आ रहे थे, हमसे रिक्वेस्ट की तो हम उनको छोड़ने गए, तो उन्होंने हमको मासी पुलिया पर रोक के धारदार हथियारों से वार किया चाकुओं से और गले में तार डाल दिया, वो करने हमारी गाड़ी हमसे छीन ली और हमको छोड़ के चले गए। तो सुना आपने किस तरीके के हालात है। एक तरफ जो है भारत आज आजादी का 75वां वर्ष बना रहा है, लेकिन आज भी जो नफरत है मुसलमानों के प्रति खासकर, वो अभी भी थमी नहीं है। आज तो मुसलमानों को द्वयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है, मुसलमान बाहर निकलने से डरता है। अब ये हालात हैं कि एक उबर ड्राइवर पर भी हमला कर दिया जाता है, पहले उसकी गाड़ी बुक की जाती है, उसके बाद उस पर हमला कर उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके बाद उसकी गाड़ी छीन ली जाती है और पैसे छीन लिए जाते हैं। अब देखते हैं कि यूपी पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करती है। ये देखिए, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की वीडियोज ऐसी वायरल हो रही हैं, लगातार तिरंगे का अपमान कर रहे हैं ये लोग, लगातार। इनको इतना नहीं पता है कि तिरंगा झंडा जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज किधर से सीधा होता है। ये लोग बात करते हैं कि हर घर तिरंगा पहुंचाने की और उसके ऊपर ये कारोबार तो करते हैं, लेकिन इनको इतनी तमीज नहीं है कि भारत का जो तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है, वो सीधा किधर से होता है। ये तस्वीर देख लीजिए, बीजेपी के नेता रैली निकाल रहे हैं और झंडा उल्टा लगा हुआ है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी राष्ट्रभक्ति कितनी खोखली है। वहीं देखिए, फरीन ने ट्वीट किया, शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी तस्वीरें हमें देश में रोज देखने को मिल जाती है। ये मामला बैतूल जिले के जामुनडागा से है, जहां पर पुल न होने की वजह से कुछ लोग एक गर्भवती महिला को खटिया पर डालकर अस्पताल ले जा रहे हैं। समस्या सालों से है, समाधान कब मिलेगा पता नहीं। ये देख सकते हैं आप तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई थी, इस तरीके के हालात हैं कि आज भी भारत में ना अस्पताल है ना स्कूल है जहां पर गांव में लोग अच्छे से पढ़ सके। आज भी उनको इलाज के लिए दूसरे गांव में या बड़े शहरों में जाना पड़ता है। उस पर भी नतीजा ये है और दोहरी मार ये है कि जब वो जाते हैं तो उनके लिए सड़कें नहीं है, रास्ता नहीं है, फ्लाईओवर बने हुए नहीं है, जिसका नतीजा ये है कि वो नदी में निकलकर अपनी जान जोखिम में डालकर एक जान को बचाने के लिए नदी पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी वीडियो है। एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आज हम अमृतकाल में पहुंच चुके हैं, तो कैसे अमृतकाल में पहुंच चुके हैं, जहां पर अस्पताल ना हो, जहां पर स्कूल ना हो। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार जो है जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। वो 2014 से पहले कहते थे कि काला धन लाएंगे, लेकिन आज वो काले जादू की बात कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात है और ये सरकार किस तरीके से जनता को नकार चुकी है एकदम, उनके मुद्दों पर बात करने को तैयार नहीं है, ऐसे हालात हैं। और ये वीडियो हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्य मंदिर में घुसकर पुजारी के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ पुजारी के साथ मारपीट करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं और वहां पर भी गुंडई दिखाते हैं। तो इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं जो पार्टी धर्म का ठेकेदार बनती है उसके नेता किस तरीके से मंदिर में घुसकर मारपीट कर रहे हैं, पुजारियों का अपमान कर रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।